अनयूटिलाइज है, उनको जब नया प्रोजेक्ट लगाना होता है तो फिर वो लोन के लिए आ जाते हैं। आज ये जो आरबीआई वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्यों है? क्योंकि एक पूंजीपति अपना पैसा निकालना नहीं चाहते और भारत सरकार को ही प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप आरबीआई से और पैसे रिलीज करवाओ ताकि 3-4 लाख करोड़ रुपए और निकल जाए, इलेक्शन का टाइम है तो धपाधप वो पैसे फिर से खींच लिए जाए। तो प्रभु कहता है कीप द मनी रोलिंग ताकि लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ती रहे। और फिर वही डिसीजन ऑफ द लोकल अफेयर्स जो है लोकल लोगों के, बाहर के किसी भी आदमी का, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी ही क्यों नहीं हो, उसका भी इंटरवेंशन उसमें नहीं होगा। मान लीजिए कि हम कहीं पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं, संबलपुर जिले का कोई ब्लॉक है, नुआपाड़ा या कहीं कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट ले लो, उसका कोई ब्लॉक है, वहां हमें किसी टेक्नोक्रेट की जरूरत है या कोई प्रोफेशनल आदमी की जरूरत है, हमें अपने ब्लॉक में नहीं मिला तो हमने हायर किया, उसको नौकरी दी। नौकरी दे सकते हैं बट हम उसको अपने इकोनॉमिक अफेयर्स में इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं देंगे। तो समय ज्यादा हो रहा है, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं इसको समराइज करूंगा कि न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी जो आर्थिक आजादी का पहला सिद्धांत है कि लोगों की मौलिक आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकता, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो, और ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स आज के दिन में अन्न, वस्त्र, मकान, चिकित्सा और शिक्षा है। और ये पहला स्टेज है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस इज द बिगिनिंग। अंत कहाँ होगा पता नहीं, अंत कुछ भी हो सकता है, ये जब बढ़ता रहेगा तो फिर बढ़ता ही रहेगा। फिर दूसरा, आपकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ती रहे। तीसरा, लोकल डिसीजंस आप लेंगे। चौथा, बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होगा। और ये हम हासिल कर सकते हैं, इसका भी एक पूरा प्रोसेस है, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी एंड द ब्लॉक लेवल प्लानिंग। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो अभी मैं इतना ही कह के अपनी बात को समाप्त करूँगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये जरूर कहूँगा, हम आते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, सुन के चले जाते हैं, इससे कोई सार्थक बदलाव नहीं होगा। आपने जो प्रश्न पूछा कि क्यों नहीं हुआ 70 साल में, इसीलिए नहीं हुआ कि ज़्यादातर लोग आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, उस पर अब कोई नहीं करता। हम प्रौद्ध के कार्यकर्ता, प्रौद्ध एक्टिविस्ट, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, दुनिया भर में हम काम कर रहे हैं। और ये जो है गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। और फिर एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। लोग आने लगे हैं, कारवां बनने लगा है। बदलाव की जो लाल सूरज है, जो उगने वाला सूरज है, वो होराइजन पे, वो क्षितिज पे दिख रहा है। आप लोगों से मैं आह्वान करने आया हूँ कि आप साथ आओ, हाथ को मजबूत करो। इसमें हमारी भी तरक्की है, आपकी भी तरक्की है, मेरा भी वेलफेयर है, आपका भी वेलफेयर है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत